बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अत्ती फूड स्टूडियो। जी तो व्यूअर्स, आज आपके लिए मज़ेदार सी दाल तोरी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही क्विक बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है। कभी कभी हमें गोश्त और चावलों के अलावा भी कोई रेसिपी ऐसी ट्राई करनी चाहिए जो हेल्दी हो और झटपट तैयार हो जाए। जी तो व्यूअर्स, इसके साथ मैंने बनाई है देसी घी की रोटियाँ, और ये रेसिपी जो है ये हम बनाएंगे मिट्टी की हंडिया में। तो चलें इसके अजज़ा नोट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास तोरियां हैं जो कि आधा किलो हैं, और इनको मैंने धो लिया है। दाल मैंने 2 कप भिगो के उबाल ली है। 1 चम्मच हम इसके अंदर नमक डालेंगे, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच ही गरम मसाला है। इसके अलावा 1 प्याज, 1 टमाटर और 4-5 सब्ज़ मिर्चें हम ऐड करेंगे। तुरई जो है इनको मैंने 2 के तो छील लिया है, और फिर हम इन्हें गोल गोल स्लाइसेस में काट लेंगे। मिट्टी की हंडिया चूल्हे पे चढ़ाएंगे और इसके अंदर हम देसी घी डालेंगे आधा कप। देसी घी डाल के तो हम इसके अंदर 1 अदद प्याज जो है वो काट कर डाल देंगे। प्याज डालने के साथ हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1-1 चम्मच, वो ऐड कर देंगे, और फिर इस मसाले को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब मसाला गोल्डन ब्राउन कलर में हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर इसके स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। जी तो व्यूअर्स, लहसुन प्याज अदरक जो है वो ब्राउन हो रहे हैं। अब हम टमाटर और सब्ज़ मिर्चें काट के इसके अंदर डाल देंगे। इनको हम भून लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। हम इन्हें पकाएंगे, इन्हें गोल्डन ब्राउन सूरत में लेके आना है। और इसके अंदर अब हम डाल देंगे जो मैंने आपको स्पाइसेस बताए थे, नमक मिर्च और हल्दी का, वो हम तीनों चीज़ें इसके अंदर शामिल कर देंगे। और फिर इसके अंदर 1 कप पानी डालकर मैं इस मसाले को गला लूँगी, इसको अच्छे से पका लेंगे और फिर इसको मैश कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मसाला बहुत अच्छे से हमारा भुन चुका है और मैश हो गया है। अब हम इसके अंदर तुरई डाल देंगे। तुरई डालने के बाद हम हल्के फ्लेम पे इसको 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे और स्टीम पे से कुक करेंगे। ध्यान रहे कि नीचे से हंडिया जले नहीं, इसीलिए फ्लेम को हमने लो कर देना है। अत्ती फूड स्टूडियो पे बहुत से टेस्टी खाने जो हैं वो सीख सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप देख रहे हैं कि तुरई हमारी गल चुकी है, पक चुकी है, और अब हम इसके अंदर उबली हुई दाल जो है वो शामिल कर देंगे। दाल डालने के बाद बस हमने इसको 5 मिनट के लिए दम लगाना है और फिर हम इसकी गार्निश कर लेंगे। 5 मिनट हम इसे दम पे रखेंगे और अपनी रोटी तैयार कर लेते हैं। रोटी जो है सिंपल हम इसको बनाएंगे और फिर बाद में देसी घी लगा देंगे। जी तो व्यूअर्स, इस रेसिपी को हम नाश्ते में, लंच में और डिनर में भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपको मेरी ये दाल तुरई की रेसिपी कैसी लगी। कुकिंग विद अत्ती आर्ट स्टूडियो पे आप बहुत से टेस्टी खाने सीख सकते हैं। चाइनीज़ रेसिपीज़, इंडियन रेसिपीज़, तुर्किश रेसिपीज़, अरबिक खाने आप मेरे चैनल पे सीख सकते हैं। जी तो रोटी हो गई है हमारी तैयार, और अब हम दाल तुरई देख लेते हैं। इन्हें हम सर्विंग प्लेट पर निकालते हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू के साथ कलरफुल दाल तुरई हमारी तैयार हो चुकी है, और अब हम इसको खाएंगे देसी रोटी के साथ, देसी घी की रोटी के साथ। तो ये देखें व्यूअर्स, कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आई है, बहुत ही प्यारा कलर और बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ हमारी दाल तुरई की रेसिपी तैयार है। मैं अपना डिनर इंजॉय करती हूँ, आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।